हेलो एवरीवन, आज आप और हम मिलकर बनाएंगे बिना प्याज लहसुन बिना तेल घी का बहुत ही कम समय और कम सामग्री वाला ब्रेड का ये नाश्ता। ये नाश्ता आप सुबह या शाम की चाय के साथ भी ले सकते हो, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और यकीन मानिए ये बहुत जल्दी बन जाता है और उतना ही खाने में ये टेस्टी है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की और देख लेते हैं इसकी सारी सामग्री। नमस्कार, पारुल मानुशाली की चैनल में आपका स्वागत है। रोज नए वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर हमने 2 कटोरी के आसपास बेसन लिया है। आप कितना ये नाश्ता बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बेसन ले सकते हो। जो नॉर्मल हम जिसे पकौड़े या कढ़ी बनाते हैं वही मैंने बेसन लिया। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक भी ले लिया है और यहाँ पर हमने ले लिया है 1/4 टीस्पून के जितना हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच हमने अजवाइन लिया है और अजवाइन को हम हाथ से ही अच्छे से ऐसे क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने तीखेपन के लिए 1 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट लिए। आप तीखापन कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर लहसुन या अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एकदम अच्छा सा ऐसा पतला सा घोल बनाएंगे। हमें ये जो घोल है ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, एकदम जैसे हम कह सकते हैं ना कि पतला जैसा हो ऐसा हमें रखना है और मसालेदार रखना है। तो सारे जो फ्लेवर्स हमने लिए हैं उसके सिवा भी आप कोई इसमें फ्लेवर पसंद करते हो जैसे कि गरम मसाला हो गया तो वो भी इसमें ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने एकदम अच्छे से इसका बैटर बना लिया है। अब देख सकते हो एकदम परफेक्ट ये बैटर तैयार है। अब हमने ले लिया यहाँ पर ब्रेड। यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो ब्रेड होती है वो ली है। आप चाहे तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन भी ले सकते हो। और यहाँ पर जो है एक साइड मेरा नॉनस्टिक भी हमने गरम करने के लिए रख दिया है और नॉनस्टिक के ऊपर ना ही हमने तेल या घी लगाया। और अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे एक स्पून में लेकर और जो दूसरा ऐसे छेद छेद वाला स्पून होता है ना उसमें निकाल कर ये आजू बाजू में मतलब रख देंगे लाइन से और थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से जैसे हम कहते हैं ना पक जाएगा। उसके बाद हम इसको पलट कर पका लेंगे, मतलब दोनों साइड हमें इसको अच्छे से पलट कर पका लेना है। अब हमने इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया लिया है बहुत ही अच्छी मात्रा में। और यहाँ पर मेरे बच्चों को चीज़ वाला ये नाश्ता बहुत ही पसंद है तो मैंने चीज़ लिया। अगर आप डाइट में बना रहे हो तो आप यहाँ पर चीज़ के बदले में जो पनीर होता है उसे भी कद्दूकस करके ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने दोनों ब्रेड के बीच में चीज़ और जो हमने बहुत सारा हरा धनिया ले लिया है तो दोनों साइड इसे उलट पुलट करके चीज़ मेल्ट होने तक इसे अच्छे से सेक लेंगे। और सारे जो मसाले वो तो हमने पहले से ही बेसन के घोल में मिला लिए। तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी भी बन जाता है और यकीन मानिए बहुत जल्दी बन भी जाता है। और सेम बैच में दूसरा भी ऐसे ही कर रही हूँ। हमें ख्याल यही रखना है कि ये जो हमारा मिश्रण है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं लेना है। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हम इसे नॉनस्टिक के ऊपर रखते जा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर जो है एक एक सिंगल पीस भी इस तरह से कर सकते हो, मतलब कि डबल पीस ना करना हो तो सिंगल पीस भी आप कर सकते हो। और दोनों हम साथ में करते हैं ना तो ये हमें जो है जो कहते हैं ना ब्रेड पुड़ला टाइप का ऐसा बन जाएगा और एकदम फ्लेवरफुल है। बिना प्याज लहसुन वाला है तो भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दोनों के ऊपर मैंने सेम हरा धनिया और चीज स्लाइस रख दी है। आप इस तरह के नाश्ते में क्या वेरिएशन करते हो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। रोज नए वीडियोस के लिए पारुल मानुशाली के चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने फीडबैक भी आप मुझे देते रहिए। आप मुझसे और भी कोई रेसिपी की जानकारी चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए हमने अब इसे कट भी कर लिया और देखिए अंदर से भी कितना ये सुंदर दिख रहा है क्योंकि ऊपर पूरा कवर और जो ब्रेड है उसकी वजह से क्रिस्पीपन और बीच में जो हमने हरा धनिया और चीज़ का कॉम्बिनेशन लिया है ना ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे कि हमने तेल वाले पकौड़े खाते हैं ना सेम वैसा ही पर बिना तेल का है तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्थी हो गया। और जैसे कि मैंने कहा आप इसे बिना चीज़ के बना सकते हो तो और भी ज़्यादा हेल्थी आप इसे कर सकते हो। तो मैंने इसे नॉर्मल जो मैंने आपके साथ टोमेटो केचप की रेसिपी शेयर की है उसके साथ मैंने सर्व कर दिया है। आप चाहे तो इसके साथ चटनी भी सर्व कर सकते हो। मैंने आपके साथ चटनी की रेसिपी भी ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो जल्दी मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग और एंजॉय।